हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। क्लास 8 की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह पढ़ लिया था। तो आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था इनकी चालाकी थी अंग्रेज़ों की, इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी अपनाई थी इसमें। तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुआ था ऐसे हटाने के लिए कि आप जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल रोक दीजिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड ऑफ स्वराज कब शुरू हुई थी। देखिए, डिमांड ऑफ स्वराज जो ऑर्गेनाइज बेसिस से तो बाद में शुरू हुई थी बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन पहली आवाज़ जब उठाई गई थी वो 1906 में ही उठा दी गई थी कलकत्ता में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार डिमांड फॉर स्वराज आज़ादी के लिए पहली बार कहा था कि अंग्रेज लोगों को जो है देश से बाहर होना चाहिए, पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का नाम निशान नहीं दिखना चाहिए। ये इनका दादा भाई नौरोजी का कहना था 1906 में। इन्हें हम लोग बोलते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई 1906 में। सेम डेट है, सेम टाइम पीरियड है। देखिए क्या हुआ था, 30 दिसंबर 1906 में ढाका, आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई। इसके फाउंडर कौन थे, नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला, ये इसके फाउंडर थे। इसके अलावा इसमें और भी थे, आगा खान और नवाब बुलर उल मुल्क, ये भी इसमें इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में। और भी कुछ नेता थे लेकिन यही मेन जो है तीन हैं। इसके बाद इसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग जब बनाई गई तो इन्होंने क्या क्या अपनी डिमांड रखी। इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम लीडर है, ठीक है, मान लीजिए मुसलमान लोगों को अपना लीडर चुनना है तो उसको उस एरिया में सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट देंगे उसे। यानी कि हिंदू लोग भी मुसलमान लीडर को चुन रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान लोगों का लीडर जो है वो मुस्लिम ही चुना जाएगा और उसे मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, ऐसा होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी अगर कोई दलित है तो दलित लीडर भी दलित होगा और उसे चुनने वाले भी दलित ही होंगे। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने मांगा। और इन्होंने क्या मांगा, स्पेशल सेफ गार्ड्स फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए सेफ्टी के अलग गार्ड्स उन्होंने मांगे। ठीक है, तो ये जो डिमांड थी वो पूरी हुई मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या था, ये एक्चुअली था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसलिए कहते थे क्योंकि मिंटो उस टाइम था वॉइस रॉय और मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। मैंने आपको बताया था ये ब्रिटेन में रहता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो देखिए अब इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। मांगा तो और लोगों ने भी था, बाद में आप देखेंगे कि दलितों वगैरह ने भी मांगा था लेकिन इन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और उस टाइम वॉइस रॉय काउंसिल के चुनाव भी हुए थे। ठीक है, कि वॉइस रॉय की जो काउंसिल है, जो उनके एक संगठन काउंसिल बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो उसमें चुनाव हुआ था कि कौन कौन से मेंबर्स वहाँ पे आएंगे, उसके लिए चुनाव हुए थे। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये देखिए पहले मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया में कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी पार्लियामेंट इंडिया में नहीं थी। तो जो पार्लियामेंट वहाँ थी ब्रिटेन में उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज़ किया गया इंडियन मेंबर्स को। इंडियन मेंबर्स पहले वहाँ पे बहुत कम थे तो उनका कुछ नंबर इंक्रीज़ कर दिया गया और थोड़ी बहुत उनकी पावर भी बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार है 1911 का। देखिए ऐसा हुआ था, 1911 में किंग जॉर्ज फाइव इंग्लैंड के राजा थे, ये इंडिया पे आए। अब इंडिया में आए तो इनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था, काफ़ी बड़ा स्वागत हुआ था बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो राज ही था यहाँ पे और उनके राजा सीधे इंडिया आए थे किसी कॉलोनी में, तो उनका भव्य स्वागत हुआ था यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे आके क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था, आपको पता है पढ़ाया था मैंने, तो उसको कैंसिल कर दिया उन्होंने कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दो। उस टाइम वहाँ पे यहाँ के लॉर्ड हार्डिंगे वो थे गवर्नर जनरल, वाइस रॉय कह सकते हैं आप, गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी गई थी, तो लॉर्ड हार्डिंगे कौन थे, वाइस रॉय। फिर इन्होंने एक काम और किया, इन्हें लगा कि दिल्ली तो बिल्कुल सेंटर है इकोनॉमिक का और सारी चीज़ों का, दिल्ली सेंटर है, तो इन्होंने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अभी तक कैपिटल जो थी वो कलकत्ता थी, इन्होंने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया 1911 में। एक्चुअली इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 1911 में शिफ्ट के लिए अनाउंसमेंट किया था, तो तभी हम लोग मानते हैं कि 1911 में कैपिटल जो है दिल्ली दिल्ली शिफ्ट हो गई। और एक चीज़ और आपको, एक समर कैपिटल ध्यान रखनी है, गर्मियों में दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो समर कैपिटल अंग्रेज़ों ने लोगों ने अलग बना रखी थी। 1864 से वो लोग शिमला को समर कैपिटल मानते थे क्योंकि वहाँ पे सारा हेड ऑफिस वगैरह वो लोग शिमला में ट्रांसफ़र कर देते थे, शिमला का मौसम थोड़ा ठंडा था इसीलिए। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, तो इसको 1914 से 1918 में ब्रिटिश के साथ दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने इनसे कह दिया था हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि आधी आज़ादी दे देंगे। ठीक है, आप अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस पर मोहर वगैरह जो है सब हम ही लगाएंगे। तो
इसकी इनकी बात सुनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा था कि हाँ तब भी काफ़ी अच्छी बात है, तो इन्होंने उसका सपोर्ट कर दिया था अंग्रेज लोगों का। और 13 लाख इंडियन सोल्जर्स लड़ाई करने गए थे अंग्रेज लोगों की तरफ से, ठीक है, बेचारे उनमें से 74,000 लोग मारे गए थे। ठीक, अब देखिए लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ की संधि, ये कब हुई थी, 1916 में, यानी वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी ये। इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग बाद में बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। ठीक है, तो इन दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो इन्होंने क्या किया, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी गरम दल, कांग्रेस आपको पता है दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल में, गरम दल में बाल लाल पाल थे, तो दोबारा से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यानी इस सेशन में सब आ गए थे, एक साथ हो गए थे। इन्होंने क्या कहा था कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस खुद से मांगेंगे। ठीक है, हालांकि इनको अंग्रेजों ने दिया कुछ भी नहीं था, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें दिया नहीं था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन फिर भी घुमाया था इन्हें, इसके बेसिस पे इन्होंने कि इनसे सैनिक वगैरह ले लिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आगे देखिए होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट को किसने किसने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है इसमें, क्योंकि देखिए फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन ये कांग्रेस की वुमेन अध्यक्ष थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू जो थी वो भी वुमेन अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष, वो पूरे इंडिया की अध्यक्ष थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी सिर्फ कांग्रेस की, पार्टी कांग्रेस की, और पूरे इंडिया की अगर देखें तो सरोजिनी नायडू जो थी पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये होम रूल मूवमेंट लगभग लगभग 2 साल चला, 1916 से 1918। यही इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, और इन्होंने क्या कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिक पर आपको स्टेट्स डिवाइड करना है, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब भाषाओं के आधार पर, जैसे कोई मराठी बोलता है तो उसकी उसका मतलब एक स्टेट अलग, तमिल वाले को स्टेट अलग, ऐसे। और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेज, मतलब ये नहीं कि एजुकेशन जो आप दे रहे हैं सिर्फ अंग्रेजी लैंग्वेज में दे रहे हैं या हिंदी लैंग्वेज में दे रहे हैं, नेटिव लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज जो है, ठीक है, जहाँ पे वो जन्म स्थान है, उसका आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको जो है उनको एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म होता है, आगे सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।